क्या हो गया? पढ़ाओ पढ़ाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी फ्रूट्स के नेम बताना। ओके मम्मा, क्या है वो? कोकोनट नहीं, कोकोनट। पिएगी कोकोनट? कोकोनट वाटर आज मंगा दूंगी। ठीक है चलो। अच्छा जल्दी बताइए कौन सा है फ्रूट? पाइन एप्पल। पाइन एप्पल नहीं, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल बनाना मंकी खाता है। हाँ, और ये मैंगो एप्पल अनार। इंग्लिश में बोलते हैं पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट हाँ। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? बनाना। ये बनाना है? बनाना 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 चीकू। हमारी सिद्धि इस वाले जो है, बोलो उठो अच्छे से उठो और बोलो टमाटर। बोलो टमाटर, बोलो ना सिद्धि। चलो नहीं नहीं करना है सिद्धि को। मैं वो वाले पहले सिद्धि नहीं नहीं करेगी। किसे करेगी? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो, मैं सिद्धि को नहलाने के लेकर के आई हूँ और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लव लैब का मॉइस्चराइजिंग बेबी सोप। इसमें ना चार आ जाते हैं, मतलब बाय थ्री गेट वन फ्री है। और ये जो सोप है इसमें आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा मिला हुआ है और 0% पैराबिन है, सल्फेट भी नहीं है इसमें, मिनरल ऑयल, अल्कोहल कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और ये आप न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी इनफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक पैक रिद्धि के लिए भी मंगा रखा है, तो अच्छा है बहुत। मतलब स्किन को ना ड्राई नहीं रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। नहाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ड्राई हो जाए। तो अगर आपको ये लव लैब का मॉइस्चराइजिंग बेबी सोप चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर ही दूंगी। बस आज आपको पता है हम सब लोगों को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो स्मूली मैं और बच्चे जाएंगे हम सब। तो बस अब मैं आपको डायरेक्ट अभी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके फिर जब हम शाम को जाएंगे तब मैं इकट्ठा मिलती हूँ आपको। कैसे हैं आप लोग? तुम तैयार हो गए हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए? मेरी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, पढ़ रही थी, अब जा रही हूँ, बस ज़रूरी है जाना। वैसे हम लोग लेट हो गए हैं, लाइट चली गई थी आ रही बीचों बीच। रूम की हालत नहीं दिखा सकती, इतनी 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 भयंकर ख़राब हो रही है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे एक सा करने के लिए। देखो ये देखो, तो बच्चे को तैयार कर दिया है, जल्दी से कपड़े पहना दिए हैं। मैंने भी ये साड़ी पहन ली है, ये वाली जो साड़ी है ये किरण लेकर के आई थी अभी गौरव भैया की शुभदेव की शादी के पहले। बस इस बैग को रख लिया, इस बैग में जल्दी से थोड़ा थोड़ा सामान रख लूँगी, जैसे हैंगी वगैरह, वाइप्स वगैरह बच्चों के लिए। सो जैसा ना मैंने आपको बताया, हम ऑलरेडी लेट थे तो बहुत जल्दबाजी हो रही थी जाने की, तो बस फटाफट से हम निकल चुके हैं। ऑलरेडी 8:30-9 बज चुके थे और बस शोध भैया हम लोग को ड्रॉप कर देंगे। फिर वहाँ पर हम जाकर एक केक कटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी और ये सब हम लोग को था कि हाँ हो ही जाएगा, हो ही जाना है केक कटिंग। फिर बस उसके बाद हम लोग गए तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, फिर थोड़ा बहुत बाद खाना वाना खाया। और ना हम जिसके बर्थडे पे गए हैं ना, वो 1 साल का बेबी है, मतलब उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ है, तो मैंने सोचा चलो उसका वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा, बढ़िया, क्यूट सा नटखट सा है ये। बस हो गया, बच्चे भी यार बड़े परेशान हो जाते हैं जिनका बर्थडे होता है, पार्टी वार्टी होती है तो और ज़्यादा भीड़ भड़ाका को देख देख कर बहुत इरीटेट हो जाते हैं। तो वही है, वो भी गोदी में चढ़ा हुआ था। बस यहाँ पर पहले तो हम लोग बैठे हुए थे, फिर खाना वाना खाया, फिर ज़्यादा कुछ व्लॉग तो शूट किया नहीं मैंने यहाँ पर। फिर आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। फिर पता है अभी आपको पता ही है, इस समय ढंग से व्लॉगिंग तो हो नहीं रही है कि सुबह से लेकर के रात तक की पूरा आपसे शेयर करूँ। जैसे जो जो ध्यान आता है, टाइम मिलता है, वैसे वैसे मैं शूट कर लेती हूँ। तो ये हम लोग ना आज बना रहे थे पिज़्ज़ा, लेकर के आए थे सौरभ पिज़्ज़ा बेस, तो हमने सोचा चलो आज बनाया जाए। तो कॉर्न वगैरह मतलब मंगा लिया था मार्केट से और बस ये पिज़्ज़ा बेस तो मार्केट में मिल ही जाता है। इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा करके और थोड़ा सा मैं सब्ज़ियों को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद एक नंबर बना था पिज़्ज़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज डेट बताऊं आपको, 14 अगस्त से, कल 15 अगस्त से ननू का पार्टिसिपेट कर रही है कल स्कूल में अपने। और ना आपको पता है राखी आने वाली है 19th की, तो आज स्मोली को जाना है मायके। आज उसकी इस बार पहली होली, पहली राखी है, तो ऑब्वियसली बनता भी है जाना। और राखी वैसे भी मायके का त्यौहार होता है, तो किरण भी जा रही है, मुझे भी जाना था क्योंकि अभी रामा मतलब नन्नू और सिद्धि के लिए रामा मतलब पहली बार राखी बांधती वो लोग,
बट वही है, अभी मैं नहीं जा रही हूँ पढ़ाई के चलते। सब बोल रहे थे आ जाओ आ जाओ, बट मैंने बोला आऊँगी 2-3 दिन, थोड़ा सा कितना भी करो हो ही जाएगा, तो मैं बीच में चली जाऊँगी। और वैसे भी अभी बहुत मेन फंक्शंस होने वाले हैं तो आपको पता चलेगा, तो उसमें मेरे को जाना ही है। और बस अभी मैं बस ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा करके अभी घर में बस ब्रेकफास्ट सबका हो गया है, और मैं ऊपर आई हुई थी मैं एक लेक्चर अटेंड कर लूँ, बस लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, फिर जल्दी से हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे। स्मोली के भैया आ रहे हैं लेने के लिए, स्मोली एक फ्रेंड भी आ रही है उसको लेने के लिए, तो वो सब प्रिपरेशन कर लेंगे खाना वाना बनाने का सब कुछ का। फिर उसके बाद मतलब बस मैं एक लेक्चर ले लूँ फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि लेक्चर अगर नहीं लो ना तो वो बैकलॉग होता जाता है, फिर शाम वाला लेक्चर भी जुड़ जाएगा, तो 2 घंटे का एक लेक्चर होता है, तो फिर वो मैनेज करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर मतलब उस दिन का उसी दिन नहीं पढ़ो तो इसीलिए। तो चलिए जल्दी से फिर मैं पढ़ लूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ा रुक के। मैंने सोचा व्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं आज, कुछ होता नहीं है लाइफ में खास, होता भी है तो कई बार ये व्लॉग फ़ोन होता है हाथ में नहीं होता है। अब आज तो ऐसा है कि आज जा रही है स्कूली, तो आज का तो शूट कर ही है ना। नानू स्कूल गई हुई है, सिद्धि नीचे खेल रही है, और सिद्धि तो बहुत रोती है यार स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा। जितना नानू ने परेशान नहीं किया सिद्धि उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब उसको बस नाम बस ले लो स्कूल जाना है तो बिल्कुल जाने को तैयारी नहीं होगी। तो अभी घर वालों ने सबने बोला कि थोड़ा सा उसको 3 साल की तो हो जाने, तो फिर जाएगी वो, तो फिर मैं भी रुक गई कि चलो ठीक है, थोड़ा मैं भी अभी पढ़ाई के चलते रहता है, ठीक है भेज देंगे। तो अभी वो अक्टूबर में होगी 3 साल की, तो अभी ठीक है 2 महीना उसको और इन्जॉय कर लेने देते हैं, फिर उसके बाद भेजते हैं उसको। चलिए फिर। सो गाइस अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट, जो हमने सब खाना बना लिया, देखिए रायता बनाया है बहुत टेस्टी बना था, लहसुन डाल के बनाया था, और ये पनीर की सब्ज़ी बना ली है, साथ में ये खीर बना ली, इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके एक सा कर लेंगे, और एक और ड्राई वाली सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी थी। तो इस तरीके से खाना पूरा बन ही गया था, बस खाना बना करके हम फ्री हुए ही हैं, और फिर स्मोली की भैया और फ्रेंड आ गई थी, और स्मोली की जो फ्रेंड है उनकी भी एक्चुअली शादी होने वाली है, तो ये था कि एक बार मिल जाए, होता है यार थोड़ा सा ना, तो बस। और यहाँ पर देखिए आज मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, मतलब भयंकर बारिश हो रही थी, पर हाँ अच्छा हो रहा है मौसम, काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है। वैसे भी अब सावन आ गया, अब नहीं गिरेगा पानी तो कभी गिरेगा, नहीं देखो सिद्धि क्या बना रही है, रोटी बना रही है, सही है, कितनी सारी रोटी बना रही है हमारी सिद्धि। तो सबसे पहले उन लोगों को हम लोग ने चाय वगैरह बना करके और हल्का सा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लगा दिया था, क्योंकि आते साथ ही किसी को खाना सर्व करो तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर थोड़ा देर बाद थोड़ा सा बैठ लिए, फिर उसके बाद हमने खाना लगाया। तो बस रूपा दीदी फटाफट यहाँ पूरियाँ बेलती जा रही हूँ, मैं तलती जा रही हूँ, और स्मोली सर्व करती जा रही है, और मम्मी पहले उन लोग के पास बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा एक होता है गेस्ट आए हुए तो उनके साथ भी बैठने के लिए चाहिए, है ना। फिर बस इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आई थी और सब लोग चले गए थे मतंगेश्वर मंदिर घूमने के लिए, और फिर ये नन्नू ने मेरे से ले लिया था मोबाइल, और मुझे वैसे भी जाना नहीं था मंदिर वगैरह। बस इसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाई जा रही थी, और बस इसके बाद स्मूली की जाने का टाइम आ गया था, तो वो मंदिर जाने वक्त ही तैयार हो गई थी, साड़ी वगैरह पहन लिया था, और ये जो थोड़ा सा मोड़ा हम लोग विदाई विदाई करते हैं तो वो सब हो रहा है। और इस सिद्धि के लिए अंगूर लेकर के आई थी मैं बोल में, तो वही वो खाती जा रही है, और उसने चाची को महावर लगाते हुए देखा था ना, तो उसे पहले लगवाना था, तो पहले तो उसने लगवा लिया था, फिर उसके बाद नन्नू को मन किया, नन्नू भी लगवाई, और चाची ने तो लगाया ही सही। बस इसके बाद आ गई है निकलने की बात, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है आज, मतलब स्मोली का चेहरा ही दिख रहा है खिला खिला सा, वो होता ही है ससुराल में कितना भी प्यार मिले, बट अगर मायके जाना है भले वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, 2 घंटे के लिए ही क्यों ना हो, वो खुशी ही अलग होती है। तो आप बताइएगा आप में से कौन कौन मायके है या फिर मायके जा रहा है, वैसे इस बार लॉन्ग वीकेंड है तो कई लोग प्लान कर भी लेंगे, तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से इस वीडियो में। बस यहाँ पर हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं स्मोली को, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जाना है सिद्धि को, घुसने लग गई वो। बाय कर लो मौसी से, बाय बाय, बोल चाची जल्दी आना। गाइस बस इसके बाद ननू का कल डांस है 15 अगस्त है स्कूल में, तो उसकी वो मतलब उस गाने पे तो नहीं प्रैक्टिस कर रही, वो कुछ और ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो सिद्धि और ननू दोनों ही डांस कर रहे थे। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना अपना ध्यान रखिएगा।